इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, यानी कि हम होल्ड में बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। अब फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करे उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज बॉडी की या किसी भी मास की या किसी भी एक मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है या फिर एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। चार्ज का फॉर्मूला आईटी, करंट को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, चार्ज, और इसका यूनिट होता है कूलम। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ लाएंगे तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लाएंगे तो दोनों क्या होंगे, रिपेल होंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लाइक है तो ये रिपेल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे तो होता है, वो होता है हमारा एडिशन ऑफ चार्जेस। जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में एडिशन करते हैं वैसे ही हम चार्जेस का क्या कर सकते हैं, एडिशन। सपोज कीजिए प्लस 3q चार्ज है और माइनस 4q चार्ज है, दोनों कंबाइंड होंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस q हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को समझते हैं। क्वांट का मतलब होता है छोटा से छोटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट है। जितने भी चार्जेस आपको मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल में मिलते हैं, या तो 1e मिलेगा या 2e मिलेगा या फिर 3e मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्यू को लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एनी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन गिवन हो तो आप चार्ज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहता है कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट जब कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे चार्जेस हमें मिलते हैं नेचर में, पहले नहीं होते हैं लेकिन जब एक्सप्लोजन होता है वो चार्ज मिलते हैं, और जब एक्सप्लोजन खत्म हो जाता है तो चार्जेस डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये जो लॉ है वो गलत साबित हो जाएगा। बट जब हमने इसकी डिटेल स्टडी की तो देखा कि अगर एक नेगेटिव क्रिएट होता है चार्ज तो उसके साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव भी क्रिएट होता है, यानी कि हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आपका 2 नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, साथ के साथ 2 पॉजिटिव क्रिएट होगा। अब जो ई होता है उसको तो आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर सेम चार्ज और साथ ही सेम मास का कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के साथ रिलीज होता है। तो इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों जितने भी चार्ज नेगेटिव क्रिएट होगा अपने क्या होगा, पॉजिटिव, यानी पेयर्स में क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनहिलेशन। एनहिलेशन का मतलब होता है निगलना। इसका मतलब जितने नेगेटिव डिसअपियर होंगे उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव डिसअपियर होंगे। तो नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नेट चार्ज आपका जब कांस्टेंट रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर दो चार्जेस है तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा। तो इसको कूलम ने डिराइव किया था। कूलम ने, हमें पता है कि फिजिक्स को क्या होता है, फिजिक्स ये मानती है कि नेचर को सिमेट्री पसंद है। आप सिमेट्री में तो जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, वैसे ही कूलम ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब जब सम इसको एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आएगा, जिसे कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है, K=1/4πε0, यानी इसकी एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो होती है 9×10⁻¹। अब यूनिट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें एक हमने वर्ड देखा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में हमने ये देखा कि हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, जब अगर दो चार्जेस हवा में रखे हैं तो उन पे कोई फोर्स डेवलप होगा, और वही दो चार्जेस अगर वाटर में रखे हैं या किसी और मीडियम में तो फोर्स डेवलप होगा। अगर फोर्स डेवलप हो रहा है तो हम देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, और ये देखा है कि मीडियम जितना डेंसर हो रहा है
उतना ही क्या हो रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो परमिटिविटी होती है अगर वो ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, और परमिटिविटी अगर कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एयर की परमिटिविटी सबसे मैक्सिमम परमिटिविटी मानते हैं हम, और वो होती है 8.854 × 10^12। ठीक है, ये एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। अब इसी से हम रिलेट करके दूसरे मीडियम का परमिटिविटी निकालते हैं, जिसे कि हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी तो अभी तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसके साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर हम F12 निकाल रहे हैं, देखिए F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि फर्स्ट चार्ज पे दूसरे की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, F12। अगर R12 की मैं बात कर रहा हूं तो R21 from 1, यानी कि 2, यानी 2 से 1 तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या लिखेंगे, R12। तो F12 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन में R क्यूब। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F21 को K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन में R क्यूब। अब हम जानते हैं कि ये R12 क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर यहां से माइनस कॉमन ले तो हम क्या देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2। तो यहां हम देख सकते हैं कि F12 हमारा F21 के इक्वल है एंड अपोजिट है। तो ये हमारा कूलम लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो आज के सेक्शन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इन सब चीजों के लिए।